इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश में आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि चीन के साथ चल रहे विवाद को भी मोदी सरकार सही तरीके से नहीं निपटा रही। इसके अलावा सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया है। On the borders with China, much of each crisis is attributed to the mismanagement of the BJP Modi government and the wrong policies pursued by it. The altogether effect of all this is widespread misery, fear, and danger to the security and territorial integrity of the country. Now, we have discussed the economic crisis before, a number of times before. Since then, it has become even worse. The Modi government refuses to listen to good advice. The need of the hour is a massive fiscal stimulus, putting money directly in the hands of the poor, protecting and nurturing the MSMEs and stimulating demand. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.